हे गाइस, मैं अंतरा आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी मैं मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। मेरा मतलब अभी मैं सो के जस्ट उठी हूँ, फ्रेशन अप की हूँ और जस्ट अभी बर्तन धोने आ चुकी हूँ कि रात का बहुत सारा बर्तन था और अभी मैं रात लेट नाइट मतलब वो कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ। आप सबको पता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सच बताऊं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूं, बिकॉज आप सबका इतना प्यारा प्यारा कमेंट आया, इतना प्यारा प्यारा मैसेज आया, मेरा एकदम दिल खुश हो गया आप सबका कमेंट और मैसेजेस पढ़ के। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे हो। दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है, बस हाथ जोड़ के एक चीज़ विनती है आपसे कि जैसे आप मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही मुझे लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए आपका। अगर मतलब मेरी वीडियोस में कोई कमी है या कुछ भी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं या तो इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर दें। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज मेरा बर्थडे ब्लॉग है सो इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, बर्थडे मॉर्निंग की क्लीनिंग सब कुछ। तो प्लीज़ गाइस फुल वॉच कीजिएगा, उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा बर्तन धुलने का काम खत्म हो चुका है और मम्मी एक बार क्या किया था ना, पानी से पूरा घर को धो लेते, मिट्टी मिट्टी घर हो गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ सूखे कपड़े से पोछा लगा दूँगी और मतलब मैंने मॉर्निंग में आई थी तो मैंने सूट पहना था, उसके बाद मैं रात को ये नाइटी डाल ली थी और फिर से मतलब मैं नहा लूँगी तो साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि ससुराल में सूट नहीं पहनती, कुर्ती नहीं पहनती, मैं सब कुछ पहनती हूँ। बट मैं यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा दिन के नहीं रहती तो मैं सोचती हूँ कि साड़ी पहन लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा काम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट और अब कोई काम नहीं बचा है। अब मैं नहाती हूँ, नहा के आती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ और आज मैं आप सबको थोड़ी सी साड़ी वेयर करना दिखाऊंगी। आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं साड़ी, आप लोग इंडियन साड़ी वेयर कैसे करती हो, तो मैं जल्द ही आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे मैं इंडियन साड़ी वेयर करती हूँ। बट साड़ी पहनना सिखाना अभी मैं यहाँ ससुराल में हूँ तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो अभी मैंने रूम्स को क्लीन कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। पे मेरा छोटू सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं हुआ बट मेरे हस्बैंड ने जितना कर पाए उतना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था क्या कि जैसे कि छठ पूजा का तैयारी था तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी छोटू सा पार्टी हो पाया वो हमने किया, मेरी चाची सास और मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे सब लोग मिल के किए और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग आए, इतने इन्जॉय किए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे केक कटिंग के बाद हम लोग बहुत सारे इन्जॉय करने वाले, तो गाइस वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। Hey.
बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट कीजिए, और ये जो है ये मेरी सबसे छोटी वाली सास है और सबसे छोटे वाले देवर है ये मेरे, और ये लोग बाहर रहते हैं, सूरत में रहते हैं, बट अभी बाबू के मुंडन की वजह से ये लोग सब आदमी आए हुए हैं। ये है मुन्नी दीदी, सब आप लोग जानते हैं इनको, मेरे ब्लॉग में आप लोग बहुत बार यहाँ पर देख चुके हैं, और यहाँ पर मुन्नी दीदी के साथ मेरा फ़ोटो क्लिकिंग और नूतन दी के साथ हो रहा है। ये लोग मेरी ननद है, आप सबको पता है मेरी 5 ननद है, और यहाँ पे मुन्नी दीदी कुछ बोल रही थी तो फिर मैं उनसे बातें करने लगी थी, और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बट मैंने फील नहीं होने दिया कि मैं इतनी थकी हूँ या फिर मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि सबका मूड ख़राब हो जाता मेरी एक बात बोलने से कि मेरी तबीयत सही नहीं है। बस मैं सोची कि नहीं, मैं बस रेडी होके और फटाफट अपना मतलब जो भी हो अपना करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी 3 ननद है अभी, 2 ननद नहीं आई हैं अभी, तो उनका वेट है कि वो लोग कब आती है, देखती हूँ। तो आप लोग को भी उन मेरे ब्लॉग में उनको देखने को मिलेगा आप सबको। और यहाँ मेरी जो सॉल हो रही है वो मेरी सास है, और वो पीछे जो है मेरी सास के पीछे, मेरी मदर इन लॉ के पीछे जो है एक, तो वो हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन जस्ट लाइक मैं उन्हें भैया की तरह मानती हूँ, तो मैं भाई भाई कहती हूँ, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप खड़े रहो यहाँ पर, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मैं यहाँ पर क्यों रहूँ। मैंने कहा नहीं, क्या हो गया, आप रहो। और ये मेरे भांजा भांजी, बहुत सारे भांजा भांजी है मेरे, लाइक 12-13 भांजा भांजी आप सोच सकते हैं, तो काफ़ी इन्जॉय। ये मेरे देवर हैं, मतलब राहुल जी के बाद यही हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इन्जॉय किया और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी हम लोग खाना वाना खा लेंगे और सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।